हेलो विवान जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने पहना है जो मीम का फॉग। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है हमारी गली है, ठीक है। और यहाँ पे जी हमने लगाया हुआ जी शॉपर, और दूसरी साइड जो है वो उसे कवर करने के लिए, क्योंकि नीचे वाले कमरे में बहुत ज़्यादा सर्दी जाती है। और यहाँ पे हमने अपनी चिड़ियाँ भी अच्छे से कवर की हुई हैं। नीचे इसके कंबल और ऊपर इसके शॉपर है। और ये हमने किचन बनाया हुआ, ठीक है, ये शॉपर लगाकर। और हवा देखें बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए इधर भी हवा आ रही है। और ये पापा का बिस्तर हुआ पड़ा है, पापा आए हैं काम से। और हाँ जी, गैस जो है वो बंद हो चुका है। और अभी मैं अपने लिए ऊपर से लेने आई हूँ जी अपने लिए खाना। और नाश्ता जो है वो मैंने सुबह ही बना लिया था, और लेकिन अभी ओवन में गर्म करके खाना पड़ेगा, गैस बंद हो गई है। और मैंने अपने आप को अपनी बर्थडे पर गिफ्ट किया था जी ये नोज़ पिन, ठीक है। और जितने लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि ये कौन सी चीज़ है और क्या है, इसमें खासियत क्या है जो मैंने अपने आप को गिफ्ट की है, सो आप सबने गेस करना है। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी कि मैं ये कौन सी नोज़ पिन है, ठीक है। और काफ़ी एक्सपेंसिव थी, सो अभी मैं लेके जा रही हूँ जी नीचे। अच्छा, और आपके शहर में या आपके एरिया में गैस का क्या शेड्यूल है, और इसके अलावा मौसम के क्या हालात हैं, आप सबने मेरे साथ शेयर करना है। आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, हम लोगों वाले जो दरवाज़ा है ना वो बंद करके जाएंगे। आज ना पानी सुबह 7 बजे आ गया था, सो मैंने ऊपर से भी सफाई कर ली हुई है, नीचे वाले कमरे से मैं करूँगी थोड़ी देर तक नाश्ता वगैरह करने के बाद, क्योंकि अभी गैस बंद है, गैस आएगी तो मुझे अब छोटी सी देर के बाद। नाश्ता करने के बाद हमने पूरा 1 घंटा रेस्ट कर लिया, लाइट भी ऑफ थी और गैस भी बंद था, और अभी गैस भी आ गया और लाइट भी आ गई है। सो अभी हम लोग करेंगे जी अभी मैं करने लगी हूँ जी मैजिक। आई विश कि रियल में भी ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हो। सेकंड गैस की टाइमिंग जो है वो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक है, ठीक है। और लाइट की भी वही टाइमिंग है, 11:30 बजे आती है, ठीक है, 10:30 बजे ऑफ होती है, और उसके बाद जी 2 बजे गैस, ठीक है, बंद हो जाती है दोबारा। उसी टाइम में अगर आपने खाना बनाना है, आपने कपड़े वॉश करने हैं, उसी टाइम में करने हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ऊपर से सफाई सफाई सारी कर ली है और कपड़े भी धो लिए हैं। और इसके अलावा मैं खाना बनाना शुरू कर रही थी अभी, मतलब रोटियां बन गई थी मेरी और हंडिया अभी भी बाकी थी बनानी, लेकिन 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 मसाला जो था वो अभी भूनना भी नहीं था और गैस बंद हो गया। वो भी मैं आपको हंडिया भी खाती हूँ कि उसकी क्या हालत। गैस आया अभी शाम के 5 बजे का टाइम है। अम्मी कपड़े वॉश कर रही थी, मैं सारे रूम की सफाई सफाई कर करके तो मैं आगे थी जी खाना बनाने। मैं खाने लगी हूँ जी ऑरेंजेस, सो मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ऑरेंजेस यहाँ पे मैंने खा लिए हैं, ठीक है। ऑरेंजेस मेरे मोस्ट फेवरेट हैं विंटर्स में, ठीक है। सबको सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सर्दियों के फ्रूट्स में। और इसके अलावा ना सर्दियों के सीज़न में उस टाइम का इंतज़ार होता है जब सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती हैं और छोटे छोटे ऑरेंजेस जो सेल होने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेश जूस जो है वो पीना बहुत ज़्यादा पसंद है ऑरेंजेस का। अब हमसे मिलने आए जी माही और मक्खन और शिरोज, और शिरोज आज सच्ची अब्बू जी लग रहा है, चादर चादर ले गया है मक्खन। मक्खनी चलो आइए। अच्छा जी, अभी हम लोग बनाने लगे हैं जी चावल, क्योंकि हमारे आगे हैं मेहमान। पानी उबलने कर दिए, रख दिया चावलों के लिए। यहाँ पे अभी मैं चावल भिगोने लगी हूँ, और मटर माही निकाल के देगी। अभी चिकन में वॉश करूंगी, सो देखते हैं जी मैं कैसे चावल बनाती हूँ आज यूट्यूब पे दिखाने के लिए। वैसे तो सही बनाती हूँ, लेकिन अब देखिए। एक्चुअली ना मुझे लाइट की भी ज़रूरत है, और मेरा व्लॉग भी साथ साथ शूट हो जाएगा। सो मैंने हरी मिर्ची अभी कूटी है, लेकिन पता नहीं क्या है कि ब्लैक हो गई है उसकी सारे बीज।
बाय।